भारती तो आज है 14 अप्रैल, और बैसाखी की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, और साथ ही साथ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जयंती की भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। तो देखिए यहाँ पे क्योंकि हमारा जो गार्डन का काम होता है वो भी किसान से रिलेटेड होता है। जिस तरह से किसान अपने खेतों में काम करते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत से, और आज के दिन उनको अपनी मेहनत का फल मिलता है, ठीक उसी तरह हम भी छोटे छोटे से किसान हैं जो कि अपने घर में ही छोटे छोटे पौधों में खेती करते हैं। और आज के दिन देखिए मुझे क्या गिफ्ट मिला। तो बैसाखी वाले दिन मैंने जो अपनी फसल बोई थी उसका छोटा सा आज मैंने नुकसान पाया है, और वो भी मेरी गलती की वजह से। मेरे पास ये लक्ष्मी कमल का सकुलेंट प्लांट था, और देखिए इसकी जो नन्ही सी बेबी प्लांट है वो भी आ रही थी। और जो सकुलेंट होते हैं, मैंने जैसे अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में शेयर किया है, ये गलने रातों रात ही गल जाते हैं। ऐसा मतलब कि आप ऐसा नहीं साइन देते हैं, लेकिन आप रात को देखेंगे बहुत अच्छा होता है आपका प्लांट, सुबह उठ के आप देखेंगे तो आपका प्लांट जो है मरने की कगार पे पहुंच जाता है। तो ऐसा ही कुछ आज मेरे साथ हुआ जब मैंने सुबह आकर अपना गार्डन देखा। जैसे कि मैं अपने सकुलेंट को बहुत ध्यान से रोज़ देखती हूँ, और हमेशा मन में डर रहता है कि कहीं कोई ख़राब ना हो जाए, और देखिए आज वो डर जो है वो सच में बदल चुका है। दरअसल मैंने इसकी रिपोर्टिंग नहीं की थी जैसे मैं नर्सरी से लाई थी। बस मेरी आदत होती है कि जैसे मैं नर्सरी से कोई पौधा इस तरह का लाती हूँ तो उसमें से छोटी सी कटिंग या फिर उसका बेबी प्लांट दूसरी जगह पे लगा देती हूँ, क्योंकि उसको मैं फिर जल्दी से रिपोर्ट नहीं करती हूँ, ताकि उस प्लांट ने अगर मुझे छोड़ भी दिया तो कम से कम उसका जो बेबी प्लांट है वो मेरे पास रहे। तो वैसे तो कोई भरोसा नहीं होता है प्लांट्स कब हमें टाटा बाय बाय बोल जाएं हमेशा के लिए, लेकिन ऐसा होता भी है बहुत ज़्यादा। बहुत सारे ऐसे मेरे प्लांट्स हैं जो ख़त्म हो गए, अभी मेरे पास नहीं है, तो बहुत ही खुशी, और बहुत ही मैं अपने पास उसको मेहनत से लेकर आई थी, उसको बड़ा किया था, और फिर वो ख़राब हो जाते हैं। लेकिन जैसे कि एक उदाहरण मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है वो प्लांट जिसे अभी मैं इसका नाम भूल गई, मैं मेंशन कर दूँगी। ये प्लांट मैं दूसरी बार अपने गार्डन में लेके आई हूँ, और दूसरी बार ये ड्राई हो चुका है, और मैं इसको लाई हूँ पता कब, तो दिसंबर जनवरी से मेरे पास है ये, और मैंने इसी तरह से रखा हुआ है, इसको निकाला भी। मुझे एक होप है कि ये ग्रीन हो जाएगा, अब पता नहीं होगा कि नहीं, बट मैंने अपने पास इसको ऐसे ही संभाल के रखा हुआ है। तो इसी वजह से मैं जो है प्लांट के बेबी प्लांट जैसे पॉसिबल हुआ तो मैं अलग उसको कर लेती हूँ। खैर इसका जो बाकी प्लांट है वो तो बिल्कुल ठीक है, तो आज मैं इसकी रिपोर्टिंग कर रही हूँ। तो इसका ये वैसे मुझे उम्मीद तो नहीं है कि चल पाएगा, लेकिन फिर भी इसकी जो रूट्स हैं वो अभी हैं, तो लेकिन जो रूट से इसको फूट जाता है वो वाला जो बीच का पोर्शन है वो शायद डैमेज हो चुका है या गल चुका है, जिसकी वजह से ये ख़राब हो गया है। और इसका बेबी प्लांट अभी तक हेल्दी है, तो मैं देखूंगी अगर ये ग्रो हो जाएगा तो